कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हमने जो भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तो वास्तव में जैसे कि रेगिस्तान में मरुभूमि में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 55 डिग्री सेल्सियस, और ऐसी मरुभूमि में हम कहीं फंस गए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, है ना, आसपास कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वो गर्मी इतनी अत्यधिक है, खाने को भी नहीं है, किसी से हेल्प लेने के लिए भी कोई नहीं है, तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या होगी फिर बताइए, क्या होगी, भयावह स्थिति है हमारी। और फिर समझिए कि ऐसी स्थिति में जहां आपको कुछ उम्मीद नहीं है और आप बहुत तड़प रहे हैं, है ना, प्यास लगी तो बहुत तड़पेंगे ना, नहीं, भूख लगती है तो तड़पते हैं, तड़प रहे हैं, और फिर कहीं से थोड़ा सा बादल आ जाए, काला घना घनघोर, और केवल जहां जहां आप हैं वहां पे बढ़िया बारिश हो रही हो, आप तर बतर हो गए हैं, तो कैसा लगेगा आपको, आनंद। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये इसी प्रकार से ही है, हम इस भयावह परिस्थिति में हैं। क्या है हमारी भयावह परिस्थिति, पैसा नहीं है हमारे पास, ये है क्या हमारी भयानक स्थिति, पैसा नहीं है, जीवन तो पैसा हो तो भी कटता है और नहीं हो तो भी कटता है, तो वास्तविक समस्या है हमारी, भगवद गीता बताती है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि वास्तविक समस्या हमारी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ रही है, मृत्यु, तो हमारा सब कुछ मृत्यु छीन लेती है, और भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु मैं ही हूँ, मृत्यु सर्व हरस च अहम, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए, पिताजी की माता जी की, अच्छा माता जी की पुण्यतिथि है, है ना, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध समय चल रहा है ना, तो श्राद्ध के समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। श्राद्ध किन का होता है थोड़ा सा सोचेंगे अभी हम कि क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, तो श्राद्ध किन का होता है, अरे उधर मत देखिए, मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, श्राद्ध किसका होता है, है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और कुछ बताना चाहते हैं, हाँ पितृ, तो पितृ कौन होते हैं, हाँ मृत आत्मा, आत्मा कभी मरती है क्या, आत्मा तो कभी नहीं मरती, अजो अपी अजन्मा, भगवान बोले मैं भी अजन्मा हूँ, और वास्तव में आत्मा भी अजन्मा ही है, जो भगवान का अंश है आत्मा, तो उन्होंने पहले उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया था आपने,
जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनका श्राद्ध हम करते हैं, तर्पण करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ये प्रक्रिया है जो हम पालन करना चाहते हैं, अभी ट्रेन भर भर के लोग जाएंगे गया, 15 दिन में तो धूम मचा देंगे। नहीं, बहुत सारी ट्रिप्स जा रही हैं, कोई पंडित जी ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, कोई शर्मा जी, कोई तिवारी जी, बहुत ले जा रहे हैं। अभी गया, चलो गया, जाते हैं पितृ तर्पण करने। तो वास्तव में जो दिवंगत आत्मा है, मतलब कि जिसने शरीर छोड़ दिया है, तो शरीर कौन छोड़ रहा है? आत्मा। तो इससे हम समझ सकते हैं आज के दिन से कि शरीर और आत्मा कुछ होता है, शरीर अलग होता है और आत्मा कुछ अलग होती है। और वास्तव में आत्मा है जो व्यक्ति है वो कौन है? आत्मा है ना। वो शरीर छोड़ के गए, हम बोलते हैं ना, शरीर छोड़ के गया तो कौन गया था? तो उसके अंदर जो शरीर के अंदर आत्मा का वास था वो छोड़ के गया शरीर को, है ना। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया जब तक हम नहीं करते, जब तक हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हैं, वास्तव में आत्मा है। पितृपक्ष आते हैं जब ही समझ में आएगा कि भाई हाँ, कोई दिवंगत आत्मा था वो चले गए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में आत्मा के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज है, आत्मा होती है और मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं। इंद्रियाण्य प्राण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परसस्तु सह। तो ये सब दिव्य ज्ञान है, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। इसे तो आजकल कोई लेना नहीं चाहता है, सब शरीर के स्तर पर जी रहे हैं और फिर पितृ तर्पण करते हैं। तो पितृ तर्पण करते ही क्यों हो आप? श्राद्ध करते ही क्यों हो? आत्मा तो मानते नहीं हो, तो फिर जब आत्मा है ही नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, केवल शरीर है, शरीर को टिकाने के लिए बस दिन भर रात भर परिश्रम करना है। श्रीमद् भागवतम में बताते ना कि दिन काय में जा रहा है, कुटुंब भरणे नवा। दिन किस लिए निकलता है, उगता है? जैसे ही उठे, क्योंकि पिछले दिन गधे जैसा गधा अम्माली किया था, तो फिर अगला दिन कैसे जाएगा? सुबह जल्दी, मतलब जल्दी तो उठ नहीं पाएंगे, लेट उठेंगे, क्योंकि हम शरीर आत्मा ये सब तो जानते नहीं है। आत्मा के विषय में नहीं जानते तो परमात्मा के विषय में नहीं जानते सही सही कुछ। तो आराम से उठेंगे, जैसे ही उठे तो देखा अब तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, बिजनेस पे जाने का टाइम हो गया, तो तुरंत जैसे थे वैसे ही ऑफिस चले गए। दिन भर काय में गया, फिर रात में आए। कुटुंब भरणे नवा, किस लिए? दिवा चा है अर्थे राजन कुटुंब भरणे, एक कुटुंब के भरण पोषण में। या फिर साधारणतः हम घरेलू कार्य में लगे रहेंगे, कुछ बस यही है आर्थिक उपार्जन के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, आर्थिक कुछ धन अर्जन के लिए ही हम पूरा अपना दिन निकाल देते हैं, है ना। रात्रि का समय सोने में और खाने, बाकी समय खान पान और सोना, और फिर शास्त्र बोल रहे हैं स्त्री पुरुष संग में निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन कट जाता है और फिर हम ये शरीर छोड़ देते हैं। फिर हमारा, मतलब जो शरीर छोड़ देता है उसका श्राद्ध होता है, और हालांकि हम लोगों का तो कभी श्राद्ध होने वाला नहीं है, हम तो अमर हैं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति इसी प्रकार से जी रहा है कि श्राद्ध तो उनका हो रहा है और शरीर तो वो छोड़ के गए हैं। मरेंगे तो वो, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो अमर हैं, और बस सुबह से रात तक यही रूटीन हम पालन करते रहेंगे, अमर रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हमें बीमारी नहीं आएगी, हम तो अमर हैं, बाकी सब मर रहे हैं, बाकी सबका पितृ तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, हमारी फोटो पे कभी भी माला अगरबत्ती नहीं होने वाली, हम अमर हैं। इसी गलत फहमी में हम बस, वो जो चक्री चल रही है उस चक्री में कहीं फंस गए हैं और चले जा रहे हैं, और हमारा भी इस प्रकार से जरूर जरूर शरीर छूट जाएगा। इस पे हम कभी गौर नहीं करते,
और पूरे समाज की व्यवस्था इसी प्रकार से है कि ये फालतू बातों में समय मत दो, ये देखो कि पैसा कहाँ से मिलने वाला है। अंततो गत्वा जीवन इसलिए मिला है, खाओ पियो मौज करो, ये बस ढूंढते रहो पैसा कहाँ से मिलेगा। हमने भी जिंदगी भर यही किया है, पैसे में सुख ढूंढने का प्रयास किया है और हमें सुख नहीं मिला आज तक। पैसा भले ही मिल गया हो, नहीं मिला तो भी दुख है, पैसा मिला तो भी दुख है। तो हमने पैसे रुपया में सब में हमने मतलब जो भी हम कार्य करते हैं सब इसलिए करते हैं कि पैसा आ जाए कैसे ना कैसे, और वो पैसे से हम सुखी हो जाएंगे। जो भी हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, हम इसलिए कर रहे हैं कि सुख मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें आज तक सुख नहीं मिला है और हम अन्यों को पूरा प्रेरणा यही देते हैं, पूरा संसार यही प्रेरणा दे रहा है, बस कैसे ना कैसे रुपया पैसा कमाओ, इंद्रिय भोग करो, उससे सुखी हो जाओगे। और वास्तव में सुखी कोई भी नहीं, और उस सुख की तलाश करते 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 हमारा फोटो पे माला और श्राद्ध होता है फिर, क्योंकि वो शरीर और आत्मा का जो मेल हुआ था वो कुछ समय के लिए हुआ था, फिर से हम नया शरीर ले लेंगे, नए रिश्तेदार, नई जगह, और जरूरी नहीं है मनुष्य शरीर, है ना। तो हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर जब इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, कोई जिज्ञासा नहीं करी हमने, मनुष्य जीवन मिला था, तत्व जिज्ञासा करें, ब्रह्म जिज्ञासा करें, सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं, भगवद गीता में भी भगवान यही बोल रहे हैं, है ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि जान बूझ कर विष खा रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर रहे। तो भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं और केवल भौतिक वस्तुओं का उपार्जन कर रहे हैं, उनको अपने पास एकत्रित कर रहे हैं, और उनमें से एक भी चीज़ कुछ हमारे साथ जाने वाली नहीं, सब अस्थाई चीज़ें। अस्थाई चीज़ में हम स्थाई सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, फिर क्या होता है, मृत्यु आ जाती है। मृत्यु आती है तो क्या होता है, फिर अब दूसरी प्रक्रिया में चलेगा। अभी तक तो हम पूरा आवृत थे, हमें तो भगवान और इस जगत का सत्य कुछ दिख ही नहीं रहा है, आवरण में है हम माया के, सब हरा हरा सूझता है, ऐसा कहावत है ना, समझ है ना, दुनिया में बस भौतिकता में हम बढ़िया, हमें मजा आता रहता है और हम वही करते रहते हैं, हालांकि मजा भी नहीं आता, दुख भी मिलता है ना। और इस प्रकार से हमारा शरीर छूट जाता है, फिर शरीर छोड़ते हैं तो यमदूत नजर आते हैं, जो व्यक्ति मन को नहीं भजा है, केवल अपना भौतिकता में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, तो शरीर छोड़ते समय कौन लेने आएगा उनको, यमदूत आएंगे, है ना। फिर यमदूत क्या करेंगे, वो जो आत्मा है और हमारा स्थूल शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो शरीर से अलग करेंगे, और हमारी आसक्ति इतनी है शरीर से और शरीर से संबंधित चीज़ों से कि बहुत ज़्यादा कष्ट होगा हमें शरीर छोड़ते समय। हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम शरीर छोड़ें, लेकिन वो भयानक यमदूत को देखेंगे तो हालत हमारी ख़राब हो जाएगी। हम देखते हैं कई लोग शरीर छोड़ते हैं तो रोते रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और पूरी उसकी प्रक्रिया है किस प्रकार से भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं या अभक्त शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो कमर के नीचे से उनका शरीर छूटेगा जिन्होंने ये सब भक्तिमय प्रक्रिया को अपनाया नहीं है, है ना, उच्च गति नहीं होगी। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तो तमोगुण रजोगुण में ही हमारा जीवन निकल गया पूरा, आलस करने में, भ्रमित रहने में दुनिया में, और कुछ प्राप्त करने के चक्कर में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सब कुछ यहीं छूट जाता है और ये हमराज लेने आ जाते। फिर क्या होता है उस प्रक्रिया में, 13 दिन कुछ कर देना, 13 दिन 13वीं मनाते हैं, ये करते हैं, तो क्यों करते हैं, गरुड़ पुराण या ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी कुछ कुछ वर्णन आता है इस प्रकार से कि क्योंकि कुछ समय के लिए आत्मा अभी यहाँ रहने वाली,
तो कुछ समय के लिए आत्मा भी ये जो घर है वहीं घूमती रहती है, या फिर हमारी फैक्ट्री है, या जहां हम आसक्त थे वहीं वहीं घूमती रहती है, रिश्तेदारों में वहीं पर आत्मा, सब ये सब साइंस है, ये सब वर्णन है शास्त्रों में और ये सत्य है। तो पहले दिन तो क्या होता है, आत्मा को पकड़ के यमदूत कहाँ ले जाते हैं, यमपुरी, है ना। और वहाँ पर फिर थोड़ा नर्क वर्क का नज़ारा दिखाते हैं, देखो यहाँ पर गरम तेल में तल रहे हैं, आग में भूंज रहे हैं, हाथी फाड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक दिया है ना। पहले हमने कबाब खाया था, टंगड़ी तोड़ी थी, फिर अब हमारी टंगड़ी कोई तोड़ रहा है। वो सब दर्शन करा के फिर वापस छोड़ देते हैं कि अभी ठीक है, अभी आपका समय थोड़ा सा बचा हुआ है, 13 दिन आप यहीं पर ही मंडराते रहो जिन चीज़ों से आसक्त हो, है ना। तो स्थूल शरीर चला गया, अब इंद्रिय भोग करने की तो इच्छा गई नहीं थी, तो वहीं वहीं इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन शरीर नहीं है, तो इंद्रिय भोग नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से तीन यमदूत आते हैं, ऐसा वर्णन है, तीन यमदूत आते हैं। वो उसका कारण भी है कि भाई तीन प्रकार से हम कर्मणा वाचा मनसा पाप करते हैं, तो तीन यमदूत हमें यहाँ से लेने आते हैं, फिर वापस यहीं छोड़ देते हैं। 13 दिन तक हम घर में रहते हैं, जो भी प्रक्रिया फिर जो 13वीं की तक की होती है, है ना, उसमें दान पुण्य और कर्मकांडी विधि भी हैं, वैष्णव विधि भी है, वो सब विधि जब होती है तो फिर उस आत्मा का 14 दिन में वो फिर आत्मा को यमराज के पास यमदूत लेके जाते हैं, और वहाँ पर जो सभा होती है वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद चित्रगुप्त ने तो हर चीज़ नोट कर रखी थी हमारी एक एक क्षण की, कि हमने क्या क्या किया था, हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, हम तो सब भूल जाते हैं पाप पाप करके, लेकिन वहाँ पर एक एक क्षण का हिसाब किताब आपका पूरा बताएंगे, है ना। आपने 16,108 टंगड़ियाँ तोड़ी, इतनी बोतलें पी, जो भी कर रहे हैं आप, सब वहाँ पर सब मिलेगा हिसाब किताब बराबर, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि उसके पहले क्या होता है, एक वेटिंग रूम होता है, यानी ट्रेन आने के पहले, अरे हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन आएगी, उसमें बैठेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे ना। तो इसी प्रकार से कहीं नर्क वर्क भेजेंगे जब हमको, ये उस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है जहाँ पर कि भाई भक्ति नहीं कर पाए, है ना। अभी भक्ति में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कंप्लीट हुई नहीं हुई, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपराध मुक्त अपराध युक्त बहुत सारा है। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं साधारण जो जन सामान्य है उसके लिए। तो वेटिंग रूम है एक वहाँ पर, तो वेटिंग रूम में आपको रखा जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पितृलोक, क्या बोलते हैं, पितृलोक। तो पितृलोक में वो जो अभी उसको शरीर नहीं मिला है तो वो क्या है, वास्तव में प्रेत है। प्रेत का अर्थ केवल भूत नहीं होता है, है ना, है ना। तो मतलब कि उसका सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है और शरीर नहीं है, इस प्रकार से, है ना। तो अगला शरीर लेने के पहले पितृलोक में हमारे जो दिवंगत रिश्तेदार हैं वो सब वहाँ वास करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं थी, है ना, मन बुद्धि अहंकार है, तो अभी भी इच्छाएं तो सब हैं, खाना है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, है ना। और ऐसा भी वर्णन आता है कि नर्क जाने के रास्ते में भी बहुत गर्मी होती है और बहुत तपन रहती है, उसमें नंगे पैर चलना पड़ता है, ये सब। तो जो भी हम इन 13 दिनों में प्रक्रिया करते हैं तो उस समय वो जैसे हम करते ना कि ब्राह्मण को बुलाते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों को बुलाया, उनको कई लोग छतरी देते हैं, चप्पल देते हैं, क्यों देते हैं ये सब, कपड़े देते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पितरों के पास होते नहीं हैं। तो उतनी गर्मी में और भूख सहन कर रहे हैं वो, तो इसलिए पितर तर्पण किए जाते हैं, क्या करते हैं, पितरों को तर्पण किया जाता है। तो पानी जल देते हैं, पितर तर्पण यानी जल देना, है ना। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो श्राद्ध हो गया, पितर हो गया और पिंड, क्या हो गया, तीन चीज़ें हैं इसमें, पितृ तर्पण यानी कि उनको जल देना। जैसे घर में हमारे दादा थे,
पहले, तो हमसे बोलते थे अरे प्यास लगी है पानी लाओ, नहीं तो हम पानी लेके जाते थे, और थोड़ा लेट हो जाता तो क्या करते थे, क्यों भाई कहाँ है तू, पानी लेना है, कितनी देर से बोला है मैंने तुझे, दिल गेट एंग्री, गुस्सा हो जाएंगे आपसे। तो इस प्रकार से अगर हम ये सब प्रक्रियाएं नहीं करते हैं तो भूखे प्यासे हैं, कपड़े नहीं हैं, गर्मी है, पैर जल रहे हैं चलने फिरने में, तो ये सब उनको कष्ट होते हैं, है ना, पितरों को, पितृलोक में। इसलिए ये सब प्रक्रिया हम श्राद्ध में करते हैं। तो श्राद्ध, श्राद्ध यानी क्या है, शब्द किससे जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से। तो विशेष अभी जब तक देवता उठते नहीं, है ना, देवताओं का भी दिन होता है रात होता है, जैसे हमारा दिन है, हम कार्य करते हैं, रात होती है सोते हैं, तो अभी देवता भी रेस्ट पे चले गए, है ना, तो देवता गण भी रेस्ट पे हैं। और विशेष इस समय में जो 15 दिन है, उस समय हम विशेष समय का आयोजन है कि आप अपने पितरों को, उनका जो ऋण है उसको आप उससे उऋण हो, यानी कि वो अपना जो हिसाब किताब है चुकता करें, है ना। तो पितृ ऋण क्या है, अभी हम श्रद्धा की बात कर रहे थे, पितृ ऋण पे आ गए। पितृ ऋण होता है कि नहीं होता आजकल तो पता ही नहीं है, ये सब दकिया लूसी बातें हैं, क्या बकवास है, कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है, हटाओ, कलयुग है। लेकिन पितृ ऋण होता है ना, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो काफी सारे ऋण हमारे पास हो जाते हैं सर पे। मुख्य ऋण हम चर्चा करें तो मातृ ऋण, माता का ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, अन्य जीवों का ऋण, इस प्रकार से बहुत अधिक ऋण हमारे ऊपर आ जाते हैं, उसमें से एक ऋण होता है पितृ ऋण, है ना। तो पितृ ऋण यानी कि हमने जब जन्म लिया तो ये शरीर लिया, जन्म शरीर का हुआ, आत्मा का जन्म नहीं होता, तो शरीर लिया, तो शरीर लिया है तो जो हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके माध्यम से ये शरीर प्राप्त हुआ ना, उन्होंने ये शरीर दिया, तो ऋणी हो गए हम उनके। और उन लोगों को कैसे शरीर मिला था, उन लोगों को उनके माता पिता से मिला था, तो ये हमारे शरीर से जो संबंधी हैं वो हमारे, उनसे हमारा कुछ तो संबंध है ना, तो उनसे जो संबंध है उस वजह से पितरों का ऋण हमारे ऊपर आ जाता है, है ना। तो बैंक से लोन लेते हैं, है ना, तो लोन लेते हैं तो टेंशन होती है ना, एक तारीख आ रही ईएमआई डालना है भाई, उसका व्यवस्था करते हैं, टेंशन होती है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि हमें ऋणों के बारे में पता ही नहीं है, और फिर हमारे घर में उल्टा सीधा सब चलता रहता है, फिर किसी पंडित जी को कुंडली दिखाते तो बोलते आपको पितृ दोष है, या फिर पितृ तर्पण नहीं किया आपने, तो हम पितृ तर्पण करते हैं फिर, है ना, कुछ व्यवस्था करते हैं वैसे कि चलो ठीक है भाई अभी समस्याएं आ रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, तो चलो अभी ये कुछ कर दो, पंडित जी ने बोला कर दो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, ये सब सत्य ही है, है ना। तो पितृ ऋण से उऋण होना, और ऐसे जैसे हम बात करें बहुत सारे ऋण हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं, तो फिर हम कैसे उऋण होंगे इन सब चीज़ों से, है ना। 33 करोड़ देवी देवता हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं करते हैं, उनके ऋणों से कैसे उऋण होंगे, है ना। पता नहीं बचपन से आज तक हमारे ऊपर कितने लोगों के ऋण हैं, हम समझ भी नहीं पाए, गिन भी नहीं पाए, लेकिन सब हिसाब किताब है, बहुत लोगों के ऋणी हम हो चुके हैं, जिसमें से पितृ ऋण भी है। तो ऐसा क्या करें, तो देखिए, हाँ, एक श्राद्ध की बात कर रहा था मैं, तो श्राद्ध यानी श्रद्धा से संबंधित है, तो ये विशेष 15 दिन जो है तो वो श्राद्ध के लिए, यानी श्रद्धा से हम जो हमारे पितर हैं उनको याद करें, तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना। तो श्राद्ध हो गया, श्रद्धा से याद करना उनको, जैसे तिथि होती है भाई द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो उस दिन हम उस तिथि के दिन हमारे जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं। दूसरा होता है पिंड, पिंड यानी क्या होता है, ऐसा शास्त्र बताया है, पुत्रम पिंडम प्रयोजनम, पुत्र क्यों करते हैं, ताकि वो पिंडदान दे सके। पिंडदान क्यों, क्योंकि वहां पर भूखे बैठे ना बेचारे, वो बगल वाले का पिंडदान आ गया तो वो तो खा पी रहा है, अपनी थाली में उसके पनीर है और सब सब्जी रोटी सब आ रही है, पूड़ी खीर वीर सब है, वो बगल में दूसरे के बैठे हुए देख रहे हैं, वो ललचा रहे हैं बस, उनको नहीं मिल पा रहा। तो
पिंड याने वो बनाते ना चावल आवल सब मिक्स करके, कुछ कुछ मिक्स करके ऐसा गोल बना के, फिर ऐसे करके है ना पिंड छोड़ते हैं ना, पिंड देते हैं, पिंड दान करते हैं। पिंड दान यानी कि यहाँ पर हमने एक चेक में लिख दिया 1 करोड़, वो दे दिया, तो यहाँ दिया और वहाँ अरियामा जो है, अरियामा कौन है, पितृलोक के मेन देवता है ना। भगवत गीता में कुछ समय पहले ही हमने चर्चा किया था, अरियामा मैं हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं। तो वहाँ हमने पिंड दान किया और वहाँ पर उनको मिल गया साल भर का भोजन। अरियामा के पास पहुँचा, अरियामा धीरे धीरे करके रोज एक एक प्लेट 3 टाइम लगाते रहेंगे उनकी, आया है आपका भी आया, देखो मत केवल है ना, पेट पे हाथ मत फेरते रहो, खाओ आप भी खाओ। हाँ तो ये हो गया पिंड, श्राद्ध हो गया, पिंड हो गया, और तीसरी चीज़ में बोला था तर्पण। तर्पण के विषय में बता दिया था कि ये दर्पण है, ये तर्पण नहीं है ना, सब लोग इनको तर्पण मत बोला करो, तो वो भी ऐसे छोड़ते ना पानी। और तिल मिला के, तो तिल का कुछ विशेष महत्व है शास्त्रों में वर्णन है, तो ऐसे छोड़ते हैं ना। ये पितरों का है ना, ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये शास्त्रों में बताया है ना, देवताओं का इस प्रकार से, पितरों का ये हाथ में जो हम छोड़ते हैं उसके तरीके से है ना। ये ब्रह्म तीर्थ हमारे खुद के लिए, जैसे हम आचमन करते हैं शुद्धिकरण के लिए, ब्रह्म तीर्थ है ना, ये पितृ तीर्थ, ये देव तीर्थ, और ये ऋषि तीर्थ, ऋषियों को अर्पण करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये ऋषि तीर्थ है ना, ये चारों दिशाएं जो हैं हाथ पे। हाँ तो हम पितरों को इस प्रकार से तुष्ट करते हैं है ना, ताकि वहाँ से वो कुपित ना हो। जैसे यहाँ तो थोड़ी देर 5 मिनट लेट हो जाते हैं है ना, पिताजी आवाज लगाते क्यों प्रणाम किधर गया, 2 मिनट बाद तो बिल्कुल पारा हाई हो जाता, तो फिर तुरंत दौड़ के जाना पड़ता, ये आ रहा था ना, आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सोचो कि आप अगर साल भर उनको भूखा रखोगे तो कितना आपको दुहाइयाँ देंगे कि कीड़े पड़े तुझे, तो इसलिए है ना ये करते हैं, हाँ श्राद्ध करते हैं। लेकिन अभी कलयुग है, विधि विधान तो कुछ ठीक से पता नहीं है, मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, विधि शुद्ध नहीं है, और जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं है, और कलयुग चल रहा है तो क्या करेंगे हम है ना। तो कैसे पितृ तर्पण की विधि है, कैसे करना चाहिए, वास्तविक विधि क्या है, क्या होनी चाहिए कलयुग के अनुसार, तो ये थोड़ा हम भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य है उसको पढ़ेंगे। ये भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, उसका 41वां श्लोक है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। तो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे भगवद गीता में, और भगवान को कारण दे रहे थे, काफ़ी सारे कारण में से एक कारण दिया कि पितरों के विषय में कुछ बता रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या बता रहे हैं ना। तो ऐसा बोल रहे थे, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ना। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पितृलोक में भी कष्ट पाते हैं, और उसके बाद जब उनका हिसाब किताब यमदूत कर देंगे तो उसके बाद भी उनकी उच्च गति के लिए हमने कुछ नहीं किया तो उनकी अधोगति हो जाती है, पितरों की, वहां से निम्न लोकों को चले जाते हैं, कष्ट भोगते हैं बहुत, और फिर उनकी वजह से हमें भी दोष लगता है, हम उरेण नहीं हुए और हम भी कष्ट भोगते हैं, है ना। तो अब क्या करना है भाई, तो आगे बताएंगे श्रील प्रभुपाद, तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं, है ना। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यज्ञ शिष्ट शनै संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, आगे क्या, भुंजते ते त्वघम पापम ते पचन्ते आत्म कारणात् है ना। तो ये श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जो स्वयं के लिए भोजन बना के खाते हैं वास्तव में वो पाप खाते हैं, और जो मुझे भोग लगा के, भगवान को भोग लगा के अर्पित किया हुआ, भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने खाया, यानी भगवान का जो झूठा उच्छिष्ट हम खाते हैं जिसको हम प्रसाद बोलते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण
कि जो मुझे भोग लगा के खाता है तो क्या बता रहे हैं, मुच्यंते सर्व किल विषय, सारे ये जो कलमश हैं उनसे दूर होता है, सारे पाप हमारे जाते हैं, है ना, पापों का क्षय होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, हम शुद्ध होते हैं। तो ये प्रक्रिया है, तो ये वास्तविक प्रक्रिया है, केवल हलवाई से बनवा के और बस भोजन खिलाना हमारे पितरों को, ये इससे और उनको पाप बढ़ने वाले हैं। तो भगवत गीता में भगवान विधि बता रहे हैं क्या करना है, है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पर आयोजन किया है, तो जो भक्त नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, सोला माला करते हैं, नियम पालन करते हैं, उन्होंने बहुत श्रद्धा से भगवान के प्रति भाव से उसको बनाया, भगवान को भोग लगाया और पूरी सात्विक शुद्ध पद्धति से बनाया, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया, वो भोग हम फिर अपने पितरों को अर्पण करें, ये विधि है। तो उनके जो भी पाप हैं, जो भी उनका हिसाब किताब है, उसमें से वो कट होंगे, है ना। जिससे और पाप कट कर करके करना क्या है ना, तो भगवत गीता में बताया है हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वर्ग जाएं, वो स्वर्ग से तो वापस इस जगत में पतन होता है, है ना। उच्च गति हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए कृष्ण प्रसाद से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे साधारण भोजन से भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए ये कृष्ण प्रसाद बहुत विशेष है। हम पितरों को कृष्ण प्रसाद ऑफर करें, अर्पण करें, उससे उनका कल्याण होगा, है ना। तो ये विधि यहाँ पर बता रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। यहाँ भी सबको प्रसाद वितरण होगा कार्यक्रम में, तो कृष्ण प्रसाद वितरण होगा, हम सबका भी कल्याण होगा, पितरों का भी कल्याण होगा। और ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ विधि है, भगवान की कथा सुनना श्रवण करना विधि है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जिनके भी कुल के लोग भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, यानी भगवान का गुणानुवर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं भगवान की, कीर्ति गायन कर रहे हैं, और जो भागवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके पितर पितृलोक में नाचते हैं, फीस्ट पार्टी होती उनकी। भागवत कथा आप सब, ये भगवत गीता से ही संबंधित हम कुछ सुन रहे हैं, तो आप सबके जो पितर हैं वो सब प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, उत्साहित होंगे, है ना। जैसे हम संडे को कीर्तन करते हैं, वैसे ही कीर्तन वहाँ भी चल रहा होगा, और उनको कृष्ण प्रसाद मिलेगा, उसका भी हाँ बहुत प्रसन्न होने वाले हैं पितर। हाँ, तो इस प्रकार वर्णन है पुराणों में। तो प्रसाद भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा हुआ उच्छिष्ट हमें पितरों को अर्पण करना चाहिए। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। उनका अगला जीवन जो है ना, उनको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कृष्ण प्रसाद हम उनको उनके अगर उनको ऑफर करते हैं, तो अगला जीवन कैसा मिलेगा, जिसमें वो दुखमय जीवन से उनका उद्धार होगा, है ना। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्ति नहीं करते, फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो करना रहता है, कर्मकांडी विधि करते हैं। जो भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनको कुछ भी अनुष्ठान करने की आवश्यकता रह नहीं जाती, है ना। वो भी श्रीमद् भागवतम से आगे श्रील प्रभुपाद बताने वाले हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, तो एक दो नहीं, आप अपने हजारों पितरों को कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज थे, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, महान असुर। असुर महान नहीं होते,
लेकिन उनका कद बताने के लिए कि बहुत बड़े वाले असुर थे, तो क्या बोल रहे हैं, महान असुर। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, है ना, तो 21 पीढ़ियां भगवान ने उनकी तार दी। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी भगवान ने तार दी। तो ऐसा अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में हम पिता माता हैं और हमारे बच्चे भक्ति करते हैं तो अच्छे नहीं लगते। वो कोई बहुत तेज पढ़ाई कर रहा हो तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, प्रिय बच्चा है मेरा, और पैसा दे रहा हो ला के घर में तो वो मेरा प्रिय बच्चा है। अगर भक्ति कर रहा है तो अरे वो वेस्ट बच्चा है, वो तो कचरे के डिब्बे के समान है मेरी नज़र में, कुछ नहीं, कोई काम का ही नहीं है ये, तो भक्ति करता है बस, कोई काम का नहीं, उसको तुच्छ समझते हैं जो भक्ति करता है। लेकिन आपको जो पैसा दे रहा है ना बच्चा, और आप खुश हो रहे हो ना, तो आपके केवल शरीर के स्तर पे ही आपको कुछ दे पा रहा है। अभी हमने चर्चा किया पितृ श्राद्ध, इससे पता चल रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे उस बच्चे ने आपका क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल को आप नर्क जा सकते हो, इतना खतरनाक आपके साथ होने वाला है कुछ। पुत्र का अर्थ होता है पूत नाम के नरक से जो त्राण करे, यानी कि जो हमें बचाए हमें नरक से, पूत नाम के नरक से बचाए, वो वास्तव में पुत्र है। नहीं तो दूसरा शब्द बहुत खतरनाक है उसके लिए, नहीं तो क्या है उसमें पाकी जगह माँ लगाना पड़ता है। अगर आपको कोई पुत्र नरक से नहीं बचा सकता है, केवल पैसे लाके आपको खिला रहा है पैसे कि आप इससे खुश होते हो, ये लो खाओ पैसा खाओ, ये समाज इसी प्रकार का ही है। ऐसे ही चाहिए हमें बच्चे हमारे, हमने बचपन से जब पेट में आए थे जब से ही बोल दिया था बेटा तू डॉक्टर बना के, डॉक्टर बन के पैसा कमा के ला के देना, तू इंजीनियर बन के। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक पैसा बनाने की मशीन चाहते हैं हम, वास्तव में बच्चे नहीं है वो हमारे, पैसा बनाने की मशीन है वो हमारे लिए। ऐसे तो हम माँ बाप हैं कि हम नर्क जाना चाहते हैं, और जो भक्ति करके हमें तारना चाहता है बच्चा, वो बेकार है, तुच्छ है, थर्ड क्लास है। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया है समाज का, ये इतनी हालत खराब हो चुकी है हमारे समाज की। जो हमारा उद्धार कर सकता है हमारी 21 पीढ़ियां, क्या यहां तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हजारों पीढ़ियों का जो भक्त बन के भक्ति करके उद्धार कर सकता है, लेकिन हम उसको उसकी टांग खींचेंगे बांधेंगे कि तुम भक्ति मत करो कुछ और कर लो, बता दिया है फालतू मंदिर अंदिर मत जाए करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, क्योंकि हम तो नर्क जाना चाहते हैं तुम हमें मत बचाने की कोशिश करो। वास्तव में हम ये बोल रहे हैं उनको, हम तो नर्क गामी हमें नर्क जाना है, तुम है ना हमें बचाने की कोशिश मत करो, बस पैसा ला के दो, पैसा लाओगे तो ही तुम अच्छे बच्चे हो, नहीं तो तुम अच्छे बच्चे नहीं, बेकार हो। तो वास्तव में हम इस प्रकार के माता पिता कैसे हो सकते हैं, क्या हम हमारा भला नहीं चाहते? हाँ, एक बच्चा मतलब हजारों पीढ़ियों में से एक कोई भक्ति करता है तो वो पूरी पीढ़ी को तार सकता है, इतनी सारी यहाँ प्रभुपाद लिख रहा है हजारों को। तो ये तो सौभाग्य है कि कोई भक्ति करता है हमारे घर में, बहुत बड़ी बात है, ये भगवान का प्रिय है वो। तो कृपया इस प्रकार से हमें नर्कगामी नहीं होना है, खुद भी भक्ति करनी है, सबको भक्ति करने देनी है। तो यहाँ बता रहे हैं आगे श्रीमद् भागवतम से, देवर्षि भूतापन नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो जो जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इतने सारे ऋण हम चुकाने जाएंगे तो किस किस को पकड़ोगे? हमें तो हिस्ट्री नहीं पता हमारी कि हम कहाँ कहाँ किन किन योनियों से आए हैं, कितनी बार कौन से मनुष्य योनि में किस किस के ऋण थे, कितने कितने हमारे पितर हैं, क्या है, कुछ हिसाब किताब नहीं रहा हमारे पास। किस किस को प्रसन्न करने जाएंगे, किस किस का ऋण चुकाने जाएंगे? बहुत सरल विधि श्रीमद् भागवतम बता रही है, श्रीमद् भागवतम में बताया है
कि केवल कृष्ण भक्ति करने से सारे ऋणों से आप सारे ऋण चुकता हो जाएंगे, सारी ईएमआई कंप्लीट 100% फुल, सारे बैंक लोन से आपके जीवन में बैंक लोन नहीं हो, सारे बैंक लोन चले जाएं, सारे बैंक लोन आप भर दें तो कैसा जीवन होगा? बढ़िया, कूल, टेंशन फ्री, रात में अच्छी नींद आएगी, प्रसाद व्रसाद लेके बढ़िया सोएंगे। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा तो सारे ऋणों से उऋण हो जाएंगे, नहीं तो एक एक व्यक्ति को, एक एक देवी देवता को ऐसे आप पकड़ने जाओगे, एक एक ऋण से उऋण होना चाहोगे तो आप तो एक भी ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आप अपने जीवन भर कुछ भी कितना भी कर लो, अपने माँ बाप को कितना ही पैसा कमा के खिला दो उनको, लेकिन उनके ऋण से भी आप उऋण कभी नहीं हो पाएंगे इस जीवन में। इतना बड़ा ऋण है माँ बाप का, लेकिन उसकी बहुत सरल प्रक्रिया शास्त्र में बता दी गई है भगवान श्री कृष्ण की, अगर आप भक्ति करते हैं सारे ऋण से आप उऋण हो गए, कोई टेंशन नहीं रही आपके जीवन में, पितर के ऋण भी आपके चले गए। शुद्ध भक्ति करते हैं आप तो ना देवताओं का ऋण है, ना अन्य किसी जीव का ऋण है, ना स्वजन का ऋण है, ना पितरों का ऋण है, ना मुनियों का ऋण है, किसी का भी ऋण आपके पास नहीं बचा है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति करेंगे तो सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण भक्ति को ही ले है ना। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि सारा सब कुछ हो जाएगा, जड़ में पानी डाल लेंगे या पेट में खाना डालेंगे तो पूरे शरीर के हर अंग में आपको अपने आप वो भोजन से शक्ति प्रदान हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कृष्ण को आप शरणागत हैं तो सब कुछ हो गया, सब प्रसन्न है आपसे, किसी का ऋण आपके ऊपर बचा नहीं है। ये शास्त्र का मत है, है ना, शास्त्रों का यही भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का सार है। अन्यथा हम कहीं पितृ ऋण से पीड़ित रहेंगे, कहीं ऋषि ऋण से पीड़ित रहेंगे, कहीं माता पिता के ऋण से पीड़ित रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर बैंक में आपने लोन लिया और नहीं भरा, गाड़ी ली थी तो गाड़ी खिंच जाएगी, मकान खिंच जाएगा, आपकी जो दुकान है वो खिंच जाएगी, हो रहा है ना ये सब, हम देख तो रहे हैं, क्यों सब कुछ खिंच गया। तो ये सब हो रहा है संसार में, तो अगर आपका आपको सुरक्षित रहना है तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरल विधि है, कृष्ण प्रसाद खाइए और ये कीर्तन करते रहिए, बस दिन रात भगवान हरि का नाम लीजिए, क्योंकि ये युग धर्म है, भगवान के नाम में ही शक्ति है। रामायण का क्या उदाहरण है जिसमें भगवान के नाम में शक्ति है? जितनी शक्ति भगवान में, भगवान के नाम में उतनी शक्ति है। राम सेतु किस आधार पे बना? राम का नाम, इसलिए वो गाना बना था, राम से बड़ा राम का नाम, बहुत प्रचलित हुआ था। और भागवतम में क्या है? भगवान के नाम की महिमा। अजामिल जो महापापी था, सभी कुछ करता था, चैतन्य चरितामृत में विवरणन है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अजामिल ने भगवान का नाम लिया और भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन गए, फिर भक्ति करी हरिद्वार में बाद में, और भक्ति करके फिर भगवत धाम चले गए। तो नाम से ही हुआ उनके जीवन में चमत्कार। तो आप चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में? सभी चाहते हैं मेरे जीवन में चमत्कार हो, तो भगवान का नाम लेके देखिए, फिर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आप शुद्ध होंगे, सबसे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि हम शुद्ध नहीं हैं, सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि शुद्ध होंगे, और जब शुद्ध होंगे तो भगवान जो परम शुद्ध हैं उनसे हमारा एक संबंध बन जाएगा। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमारा भगवान से संबंध टूट गया है। संबंध था वो टूटा, मतलब कि ब्रेक हुआ है, यानी कि कमजोर हुआ है। वास्तव में भगवान से संबंध कैसे टूट सकता है? भगवान तो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, छुपे हुए बैठे रहते हैं भगवान, क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो फिर हम
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई हमारा एक मित्र हम 24 घंटे हमारे साथ रहने लग जाए, नहाने जा रहे, टॉयलेट जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, बिजनेस में जा रहे, वो साथ में ही दिख रहा है हमें, तो बहुत असुविधा हो जाएगी ना। इसलिए भगवान हृदय में रहते हैं, साथ में भी रहते हैं और दिखते भी नहीं, और बीच बीच में ऐसे वो बताते भी रहते हैं, अरे ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, ये भक्ति करो मेरी। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में दिखते भी नहीं है और हैं भी। भगवान परम बुद्धिमान है, तो जितने भी ऋण हैं सब हमारे ऋण भगवान चुका सकते हैं। भगवान से हम संबंध बनाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन कीर्तन जप करें, है ना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो समय अधिक हो गया है, कोई प्रश्न उत्तर हम नहीं ले पाएंगे सीधे, अभी कृष्ण प्रसाद का समय है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।